आप लोगों का कैंडिडेट सबसे पहले फाइनल हो चुका है किशनगंज लोकसभा में, तो नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन के लिए इतना इंतजार कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? कैंडिडेट शुरुआत हमने की है, 26 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन का, अंत भी हम करेंगे, अंत भला तो सब भला, इसलिए शुरुआत भी हमने पिछले साल कर दिया था। आपके पास कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, जदयू है, सब इतना लेट में अभी तक तो कांग्रेस की नहीं है, हमने शुरुआत भी कैंडिडेचर में किया और एक लोगों में रिवायत है अंत भला तो सब भला, तो हम अंत भला भी कर देंगे। और मेरे कैंडिडेट तो 4.5 साल से लोग के बीच में है, इसलिए सोचे कि 100 सुनार की एक लोहार की आखिरी दिन 26 तारीख को अच्छे से करेंगे और फिर देखिएगा कि सीमांचल की और किशनगंज की आवाम कितनी मोहब्बत और शफकत के साथ आएगी। और अख्तर उलीमान साहब को उसी दिन मेरे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कामयाबी की सनद मिल जाएगी। बाकी 23 तारीख को हम लोग 23 मई को फॉर्मेलिटी ले माएंगे अल्लाह ने चाहा तो। 26 को नॉमिनेशन कर रहे हैं आप लोग, कौन कौन से बड़े लीडर आ रहे हैं नॉमिनेशन? हम तो चाहते हैं कि बैरिस्टर, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का खुद इलेक्शन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ये दसवीं बार लगातार जीत होगी कि वहाँ भी भाजपा और कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जो यहाँ हाल है वो वही हाल है। तो वहाँ बैरिस्टर साहब नेचुरल है कि वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं तो वो रहेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद से हमारे सीनियर लीडर आएँ और वारिस पठान साहब आएँ इंशाल्लाह ताला। और प्रकाश अम्बेडकर साहब का भी 25 तारीख को नॉमिनेशन है, वो खुद सोलापुर ये जो एक कांग्रेस के हैं सुशील कुमार सिंधे उनको भी बतलाने के लिए, ताकत आजमाने के लिए प्रकाश अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के जो पौत्र हैं वो लड़ रहे हैं, तो उनका 25 को कोशिश जारी है क्योंकि हम लोग का इत्तफाक पहला ही फेज में पड़ गया है, इंशाल्लाह रहेगा। लेकिन आम आवाम रहेगी क्योंकि किशनगंज की आवाम रहेगी, पोठिया की, ठाकुरगंज की, बहादुरगंज की, रोहटा, मोर, बैसी, डगरवा, टेरागा, छतरगा, डिगल बैंक की रहेगी आवाम। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एनडीए और यूपीए को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, उम्मीदवार तो अनाउंस कर दिया एनडीए ने, एनडीए ने आज किया है, कब करेगा? आपकी तरह 2 महीने पहले से थोड़ी कोई करता है भाई, तो सब लोग करता है। आप जाके देखिए बसपा कितना दिन पहले कर दी थी, सबका अपना अपना तरीका है, नॉमिनेशन से एक दिन पहले भी करे वो कोई गलत तो अच्छी बात है भाई। आप तो 26 तारीख को 2:59 में कीजिए, आपका कर देगा। लेकिन यहाँ तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रहा है पता कि कभी मिस्टर फलना, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर छत्तीसगढ़, मिस्टर ई जमूरा आ रहा है, वो जमूरा आ रहा है, यहाँ तो ही चल रहा है। हम लोग की पार्टी छोटी है, आपको 2 ही उम्मीदवार चुनना है, इसलिए 2 ही उम्मीदवार चुनना है, इसलिए आप कर लिए। कांग्रेस सारे सीट पे लड़ रही है, पूरे देश में लड़ रही है, एनडीए पूरे देश में लड़ रही है, तो होगा। कांग्रेस पार्टी बिहार में 125 साल पुरानी पार्टी, 9 कैंडिडेट पे सिमट जाती है। उत्तर प्रदेश यूपीए की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा इनको लेता नहीं है, बंगाल में मायावती ममता जी नहीं लेती है, केजरीवाल जी से नूरा कुश्ती चल रहा है इनका तो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी पेदरम सुल्तान बुद्ध, कांग्रेस अभी उस स्थिति में है जो 44 MP कांग्रेस जीता था और लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बना। हरियाणा में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर था, वहां तीसरा पोजीशन पे चली गई। झारखंड में सरकार थी, वहां पे इनके 1-2 MLA आ गए। कांग्रेस ये थी बड़ी पार्टी, अब वो दिन गया कि कांग्रेस कभी बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल रही है, ये जनता की अदालत है, जनता फैसला कर देगी। कांग्रेस को हैदराबाद में भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और जो वही हाल किशनगंज में है, इसमें दिक्कत क्या है? उठी वो सब जो कहानी है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेंटली प्रिपेयर। इस बहस में नहीं जाते, आगे करेंगे। अगर उनको कोई नहीं मिल रहा है तो आप भी तो दो ही पार्टी के साथ अलायंस करके कैसे चल रहे? कैसे बतला देते हैं, टीआरएस और वीवीपी टीआरएस मेरे पास है, मेरे पास बहुजन अगाड़ी है, मेरे पास आवाम की मोहब्बत शफकत है। हम क्या अलायंस, मेरे पास थोड़ी है कॉर्पोरेट का फैसला, मेरे पास जीजा जी है रॉबर्ट वड्रा, ना मेरे पास ऑगस्ता चौपर जाइए फिर खानदान, मेरे पास ना वो सब नहीं, आज तो बोफोर्स कहाँ है, ना खानदान तो आपके पास गया। अरे भाई खानदान ना मेरे पास, बोफोर्स घोटाला का इल्जाम, ना अगस्टा का इल्जाम, ना भाजपा की तरह तू घोटाले वाले स्तर तक पहुंचे। नहीं, 60 साल से सरकार, 60 साल से क़यादत दे रहे हैं, 60 साल में बदला नहीं, नहीं मेरा मेयर बना, एमएलए बना, एमपी बना, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आउटसाइड सपोर्ट दिए, बतला दीजिए एक छीटा भी नहीं है। हमारे दामन को देख लीजिए, अख्तर उलीमान साहब को देख लीजिए कि नॉट इवन ए सिंगल करप्शन चार्जेस आज तक, ना मेरे कायद पर, सीनियर कायद पर है, ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टेट लीडर। बातें चुनाव के बाद बहस करेंगे, आपके एफिडेविट से क्लियर हो जाएगा कि कितने दूध के धुले हैं, ठीक है? चलिए ठीक है।